अच्छा चले, इसका यहां पे ना मैंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। नंबर वन है टैक्स क्लासिफिकेशन और सेकंड वन है बेस थ्योरम या नेव बेस, ठीक है। और नीचे फिर लिखा है द टास्क ऑफ टैक्स क्लासिफिकेशन। हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में और कई दफा डिफाइन कर चुके हैं जी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पास कोई गिवन डेटा है और उसको आप कोई लेबल, कोई क्लास, कोई नाम अटैच कर देते हो, ठीक हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम अभी देख लेते हैं कि टैक्स क्लासिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो ईमेल के अंदर स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स की है। स्पैम ईमेल्स का क्या मतलब होता है कि जो एक बंदे के लिए डायरेक्ट टारगेटेड ना हो, जो इलीगल हो, अनऑथराइज्ड हो, फेक हो, ऐसे ना अटैक्ड हो या वट एवर जो भी आप वर्ड यूज कर लो, सिंपल लफ्जों में जो डायरेक्ट आपके लिए यूजफुल ना हो, एग्रीड, ऐसे है ना। अब इसका आइडिया क्या है, क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है कि आपके इनबॉक्स के अंदर या आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक मेल आती है और सिस्टम ये चेक करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ दैट ईमेल कि आइदर इट शुड गो टू इनबॉक्स, इट शुड गो टू स्पैम और वेयर इट शुड गो, ठीक हो गया। ये सिंपल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की पहली एग्जाम्पल है, एग्रीड, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। ये सबने हमने देखा हुआ ये वाली एग्जाम्पल। सेकेंड एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जिसको ऑथर प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। ऑथर प्रोफाइलिंग, ऑथर प्रोफाइलिंग का मतलब सिंपल लफ्जों में ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको रीड करते हो, ठीक है, और फिर ये बताते हो कि ये किसने लिखा है, ठीक हो गया। इसे कहते हैं ऑथर प्रोफाइलिंग, यानी कि ये बताना कि लिखने वाला ऑथर कौन है फॉर सर्टन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कह दिए हैं, जैसे ये जो है ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई और ये एक फिगर दी है छोटी सी, ये इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और यूएस के एक लॉ का डॉक्यूमेंट था और बाद में तहकीक ही हुई, मे बी ये 1700 में लिखा गया था, तहकीक ने यानी कि लेट 90s में जाके इस पर रिसर्च हुई, फिर ये साबित किया गया कि जिसके साथ ये मुंसलिक किया जा रहा है उसने लिखा है या नहीं लिखा, ये बात समझ आती है। आसान लफ्जों में एक बंदा जो है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने चाहे 1000 भी डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे या लाखों में भी लिखे होंगे तो मेरा एक राइटिंग स्टाइल होगा, एक तरीका होगा, एग्रीड, या एक ये तरीका होगा मेरा। सेकंड होंगे जो सर्कमस्टांसेस है मेरे इर्द गिर्द के ना, ठीक है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने एल्गोरिथम्स लिखे जिसमें ये बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट मे बी किसी एक नाम से, लेट्स से ये जेम्स मेडिसन के नाम से था कि यार इसने लिखा है, तो उन्होंने प्रूफ किया कि क्या वाकई उसने लिखा है थ्रू कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स, AI एल्गोरिथम्स, डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मेक सेंस, ये बात समझ आती है। इसी तरह हम यहाँ पे भी कई दफा प्रूफ कर सकते हैं, हम खुद पेपर्स रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर्स या आपके जो लिखे हुए पेपर्स हैं वो पढ़ते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि यार इंग्लिश इतनी आउटस्टैंडिंग लिखी होती है कि समझ आ जाती है कि अरे पाकिस्तानी बच्चे ने नहीं लिखी, ठीक हो गया। कॉमन सी क्या चीज़ें होती हैं कि जो हम कॉमनली चीज़ें यूज़ नहीं करते पाकिस्तानी, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी में और बाहर वाले बंदों में, क्या फ़र्क होगा लॉजिकली, कोई जहन में आता है? अगर मैं आपसे कहूँ एक डॉक्यूमेंट है, एक वो पाकिस्तानी बंदे ने लिखा है, एक फॉरनर ने लिखा है, क्या फर्क हो सकता है जी? नंबर वन वोकैबुलरी हो सकती है, एग्रीड, ऐसे पाकिस्तानी जो है उसकी वोकैबुलरी लो होगी, सिंपल इंग्लिश होगी, टफ वर्ड्स नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं होंगे, एग्रीड। और स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल उसका ऐसे कौन सी होगी? नहीं, वो तो पकड़ना डिफरेंट है ना, कॉमन सी जो बच्चे को भी समझ आ जाए जी। अच्छा, इंटेंशन कह सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में पंक्चुएशन मार्क्स थे, पंक्चुएशन मार्क्स ना, हम लोग अमूमी तौर पे एक ही पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं, वो क्या होता है, डॉट, ऐसे ही है ना। हम कॉमा बहुत कम यूज कम करते हैं इस्तेमाल ना, एटलीस्ट हमें ये सिखाया जाता है पाकिस्तानी में तो एटलीस्ट कि सेंटेंस छोटे रखो, और अगर लंबे भी हैं तो बस हम मे बी सिंगल कॉमा यूज करते हैं, सेमी कॉलन और इस तरह की चीज़ हम यूज नहीं करते, ऐसे होता है ना। तो इन नए केसेस के अंदर फीचर्स निकलते हैं काफ़ी सारे। तो स्टिल ये भी वही एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल है कि एक टेक्स्ट दिया जाए और बताया जाए जी किसने लिखा है, आइदर वो बाहर का या पाकिस्तानी का, ये जो भी है, और ये काफ़ी एक अच्छा एरिया ऑफ रिसर्च भी है ऑथर प्रोफाइलिंग का। अच्छा जी, तीसरा, ये अगेन वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल ये दी गई है कि आपने बंदा भी बता दिया, अब क्या आप कैटेगराइज कर सकते हो कि यार इस मेल जो है वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, फीमेल इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। देखिए, पिछला जो था हमारा वो सिंगल पर्सन का था कि मेडिसन, ये जो भी बंदा था मेडिसन था और फ्रेडले था, अब वो ये बता रहे हैं कि चले जी एक चीज़ तो ये होगी कि बंदे में फ़र्क हो, इनमें और इनमें फ़र्क है, लेट्स से
या इनमें और पीछे वालों में फर्क है? क्या अब इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं? कैटेगराइज से मुराद क्या होता है कि हम एक पूरे ब्लॉक के लिए बता दें या एक पूरे ग्रुप के लिए बता दें कि इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, एक ग्रुप में बता दें इनमें ये प्रॉपर्टी होती है। ये बात समझ आ रही है? फर्क क्या होगा इसमें, पिछले में और इसमें? इसमें फर्क ये होगा कि इसमें जो ग्रुप्स हैं या ब्लॉक्स हैं उनके दरमियान एसोसिएशन भी आ जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, एक एक है एक बंदे की राइटिंग ना, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, एग्रीड, वो एक बंदे की राइटिंग है। और एक ही है कि आपके पास अब मल्टीपल फीमेल ने लिखा हुआ है, मल्टीपल मेल ने लिखा हुआ है, तो इसमें अब एसोसिएशन आ जाएगी कि जब फीमेल लिखती हैं तो वो कैसे लिखती हैं कॉमन, और मेल लिखते हैं तो उसमें क्या कॉमनलिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेज होते हैं। मेक सेंस? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक दफा पढ़ो तो क्या आप गैस कर सकते हो कि ऊपर वाला मेल ने लिखा है या नीचे वाला मेल ने लिखा है या फीमेल वाला किसने लिखा है? लेट्स एक दफा पढ़ लें, पढ़ के कोशिश करते हैं क्या आंसर होगा इसका। जो कर जो समझे वो हाथ खड़ा कीजिएगा प्लीज। बच्चों जो खड़े हुए इनमें से कोई बता सकता है ऊपर वाला मेल का लिखा होगा या नीचे वाला मेल का लिखा होगा, किसका होगा? जो जो खड़े हुए कर सकते हैं गैस, और गैस के साथ साथ बताना भी है क्यों, लॉजिक क्या होगी। एक जी बेटा आप या आप दोनों भाइयों से पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, चले बताएं बेटा फिर क्या स्टेट वे पढ़ के समझ आ जाती है मेरे ख्याल में तो, या नहीं आती? कितनों को समझ आ गई है वैसे? चले आप बताएं जी, ये वाला ये फीमेल का एग्री करते हैं इससे? चले अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कैसे। हाँ अब एक मिनट ठहरे एक मिनट। अच्छा एक मिनट और ऊपर वाला जी, ये उन्होंने भी इतने आराम से एग्जांपल नहीं दी, इन्होंने इसकी लॉजिक बनाई है, और सोचे क्या रीजन होगी। है ऐसे ही आंसर इसका यही है कि ये फीमेल का है ये मेल का। अब इन्होंने कौन सी लॉजिक यूज की होगी, मेल की जो साइकी है वो किस तरफ होती है, फीमेल की किस तरफ होती है? जी चलें एक इनकी ये लॉजिक होगी लेकिन इसमें ये नहीं है, वैसे एक और रीजन है जी। नहीं नहीं चलें सेल्फ ऑब्सेस्ड शायद बहुत ज्यादा वो हो गया लेकिन चलें जी आप बताएं। बिल्कुल ऐसे कि जो इम्प्रेस एक्सप्रेसिव होती है फीमेल ना, यानी कि वो फीलिंग्स को ज्यादा बेहतर या ज्यादा प्रेजेंट करती हैं एज कम्पेयर टू ना, और जो मर्द होते हैं इनके बकौल भी, जो इसकी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी थी, उन्होंने भी लिखा है कि वो वार ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा या बुरा वट एवर, इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी और इधर से समझ भी आ रही है वाली ना, ऐसे ही है ना कि जो फीमेल है वो एक्सप्रेसिव कह लें, फीलिंग ओरिएंटेड कह लें या वट एवर, और मेल जो होता है वो बहुत ज्यादा फीलिंग्स वगैरह नहीं अपने डिस्क्राइब करता। ठीक है, अच्छा अब इस पर भी बहस भी हो सकती है क्योंकि रीजन क्या है कि जी कुछ कहेंगे नहीं ऐसा होता है कुछ ऐसा। मशीन लर्निंग में या डाटा माइनिंग में ना सिर्फ एक ही असूल है, वो क्या है कि आपके पास लिटरेचर कौन सी चीज को करता है ना, ये बात समझ आती है। जैसे भाई कह सकता है नहीं जी हो सकता है आप सब में सबसे ज्यादा जो क्या कहेंगे फीलिंग वाला बंदा हो, बंदी ना हो, होता है ना, और इस उम्र में ज्यादातर बंदे ही होते हैं ऐसे ही होता है, हमें पते थे जब टाइम गुजारा हुआ है लेट से लेकिन ये कोई मशीन लर्निंग में फिट ही नहीं होगी। मशीन लर्निंग में वही फिट होगी जो ऑथर्स लिखना शुरू करते हैं ना। ठीक हो गया, तो ये उसकी बेस पे है। इन एनी केस और भी काफी सारी इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह एक और टाइप ये लिखी हुई है, और ये फिर ह्यूज एप्लीकेशन ह्यूज मार्केट है इस चीज की, जो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज ऑफ समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मूवी की दी है क्योंकि मैंने बुक्स की स्लाइड को फॉलो किया हुआ, लेकिन यही चीज आप किसी आइटम की भी उठा सकते हो। ठीक है, जैसे लेट से आप में से कोई बाय करना करता है जाके, वो कहते हैं जी कि मैंने ना लेट से आईफोन 11 लेना है या सैमसंग का फला मोबाइल लेना है, तो एक तो ये है कि जी वर्ड ऑफ माउथ होता है ऐसे है ना कि मैं इनसे पूछ लूंगा भाई से पूछ लूंगा वो कहेंगे जी ये बेहतर है लेना, लेकिन कुछ अकलमंद लोग या आप में से भी शायद कुछ होंगे वो ना रिव्यूज पढ़ते हैं ऐसे है ना, जैसे वर्ड्स मोबाइल पे चले गए या जो भी वेबसाइट्स होंगी उन पे बैठ के वो रिव्यूज पढ़ते हैं। एग्रीड, अच्छा आप रिव्यूज पढ़ के भी ना, मैं खुद भी एक दो दफा मैंने ट्राई की तो समझ नहीं आती यार, ऐसे होता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उसी चीज को ऑटोमेट करने का नाम ये क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। कि आप एक सिंपल क्यूरी लिखोगे
वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करके ले जाएगी और फिर बताएगी कि जी इतने पॉजिटिव रिव्यूज हैं, इतने नेगेटिव रिव्यूज हैं। ठीक हो गया, आगे इसकी क्या कहानी है, इसमें मोडलिटी वगैरह के वर्ड्स हैं वो भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी का यही है। ठीक है जी, तो अभी हमने सिंपल ये देखा है कि जी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अभी आगे हम थोड़ा सा देखेंगे करते कैसे हैं, लेकिन फिलहाल ये अच्छा चलेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है लेकिन मेरा ख्याल है ये आप एग्री करते हैं, पढ़ लें एक दफा। अगर आपने कोई मूवी देखनी है और उसका रिव्यू ये है अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव है। चला दे तो उन्होंने किया तो फुल ऑफ जेनी कैरेक्टर एंड रिचली अप्लाइड सटायर एंड सम ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव है। अच्छा चलें इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों ये पहले वाला नेगेटिव क्यों है, दूसरा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो कॉन्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे जो है ये कॉन्टेंट वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे अनबिलीवेबली। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? हाँ ये पॉजिटिव है, वैसे अनबिलीवेबली जो है पॉजिटिव है, लेकिन हाँ अगर ये डिसअपॉइंटिंग के साथ आ रहा है जो एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है, जोड़ के ना दो वर्ड है ये कंपाउंड वर्ड है, तो उसको नेगेटिव कर देता है। एग्री, बिल्कुल ऐसे है कि ये नेगेटिविटी को और बढ़ा रहा है। गुड, चलो ये भी देख लेंगे वक्त के साथ। अच्छा, फुल ऑफ जैनी करेक्टर्स, जैनी का मतलब सिंपल ही होता है जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स हो। अगर मूवी भी हम देखते हैं और एक ही रूटीन के करेक्टर्स होते हैं तो हम बोर हो जाते हैं ना, जैनी का मतलब है जिसमें डिफरेंस हो ना, कि हीरो कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, वो जैनी करेक्टर्स होते हैं। इन एनी केस, रिचली अप्लाइड सटायर, सटायर का क्या मतलब होता है, तनकीद, कोई सबक कि हमने कोई काम किया। अब जैसे लेट से मैं अगर कोई डायलॉग मारता हूँ, ये जो मैंने अभी बात की थी, अगर ये तनकीद भी थी तो मकसद मजाक था इसका ना, ये ऐसे है ना, तो वो स्टायर का मतलब ये हो गया। इन एनी केस, इसका मतलब ये चीज आपको समझ आती है कि वर्ड्स की बेस पे। गुड, ठीक ठीक है। इसी तरह तीसरा और इसी तरह चौथा जी। अच्छा जी, इसी तरह ना अब आ जाते हैं एग्जैक्ट एग्जांपल पे ना, कि जो क्लासिफिकेशन की एग्जैक्ट एग्जांपल है, जो जिसके ऊपर रिसर्च भी बहुत सारी चल रही है, और अभी हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि इसको फार्मूलेट कैसे करते हैं, वो भी अभी बात करेंगे। वो सिंपल ये है, और जो आप एग्री करोगे कि आपके पास ना बुक्स होती हैं डिफरेंट, ये जो मैंने तस्वीर लगाई है ये एक रिसर्च पेपर की तस्वीर है। आप में से मेरा ख्याल है हर किसी ने रिसर्च पेपर की शक्ल जरूर देखी होगी, ऐसे है ना। अगर शक्ल देखी हुई है तो उसमें आपको क्लियर होगा कि सबसे ऊपर टाइटल होता है, ऑथर्स के नेम होते हैं, नीचे एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, एंड सॉन। ये बात समझ आती है? ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो करंट ट्रेंड चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना चीज़ें चेंज हुई हैं, ये भी आप एग्री करोगे। अच्छा, अगर हम कोई ऐसी रिसर्च पढ़ते हैं जो ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पुरानी से मुराद 1900s की है ना, 2000 से पहले की, तो कुछ हेडिंग्स डिफरेंट होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप लोग जो अपनी यानी कि जब आप अपना बताते हो कि जी आप कैसे करोगे कोई प्रॉब्लम, उसे कहते हैं मेथडोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? मेथडोलॉजी। ये वर्ड कितनों को पता है, हाथ खड़ा करो हल्का सा, मेथडोलॉजी रिसर्च पेपर में मेथडोलॉजी, बाकियों का नहीं पढ़ा हुआ लफ्ज़, ये पढ़ा हुआ है। इसको मैं कोट करता हूँ, ये जो मेथडोलॉजी का वर्ड है ना, ये अब के रिसर्च पेपर्स में, ये जब 1900 से पहले था तो वहां पे वर्ड यूज होता था मटेरियल्स एंड मेथड्स। अगर आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहां पे वर्ड था मटेरियल्स एंड मेथड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फिर ये क्लासिफिकेशन हम क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा, अब एक तो ये मटेरियल मेथड था, दूसरा इशू ये था कि जो पुराने पेपर्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। डिजिटल फॉर्म का क्या मतलब है कि जैसे ना कोई भी पेपर होता है ना, उसका ना ये रिसाला छपता है मैगजीन ना, ये जैसे अगर आपको अभी आप लोगों को दे रहा खैर, लेकिन जनरल पेपर हम कहते हैं, नहीं हमारा ना जनरल पेपर छपा, उसका ना इस तरह का प्रिंट होता है। ठीक हो गया। अब मॉडर्न दौर में क्या है कि वो प्रिंट भी हो जाता है और ऑनलाइन आ भी जाता है जी, गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे पढ़ा होता है। ठीक हो गया। पहले क्या होता था, सिर्फ ये रिसाला छपता था, उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं होती थी। ठीक हो गया सर। उसका अब क्या है कि जी, लेकिन क्योंकि सिर्फ हार्ड कॉपी होती थी और हार्ड कॉपी लेट से जी 100 यूनिवर्सिटीज़ में चली गई, 200 में चली गई, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, हम तक नहीं पहुँचती वो, ऐसे है ना। तो इसलिए दुनिया ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है कि इसको ना डिजिटाइज करें। ये बात समझ आ रही है? अब डिजिटाइजेशन के भी फिर दो लेवल हैं। एक तो ये है कि सिंपल आप ना इसको स्कैन करते हो, इसे स्कैन किया और ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया। ये एक अच्छी खासी रिसर्च चल रही है जिसे कहते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। समझ आ रही सारी बात? वेरी गुड। दूसरी चीज है, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होगा, जब आप इसे डिजिटाइज करोगे तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एग्जैक्ट डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वहां पे फिर आपको कंप्यूटर एल्गोरिथम्स चाहिए होते हैं डाटा को सही क्लासिफाई करने के लिए। ठीक हो गया। जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी
कि अगर पुराने पेपरों में मेथड्स और मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन था और अभी मैं आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करें, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली मटेरियल्स एंड मेथड्स को मेथडोलॉजी में ले जाएगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स में मेथड्स की बजाय भी ना फ्रेमवर्क का टर्म यूज होना शुरू हो गई है, फ्रेमवर्क। ठीक है, या कुछ लोग प्रपोज मेथडोलॉजी लिख देते हैं, प्रपोज वर्क लिख देते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेक्शन है लेकिन अंदर आइडिया एक ही है। ठीक हो गया, चलें गुड हो गया, एक ही हो गया। एक ही होता है कि यार हमने ना आप लोगों से, जैसे बच्चे ही हो आप लोगों से ना, हमने पेपर लिखवाया, फाइनल प्रोजेक्ट इन्होंने लेट से मेरे साथ किया, हमने अपना ना पूरा पेपर, हमने इनसे कहा यार लिख के ले आओ डॉक्यूमेंट ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट लिख के आ गए। पर इनको ना अब ये पता नहीं था कि यार एब्स्ट्रैक्ट में क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए। और ये कॉमनली होता है, ये ऐसे नहीं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 100% होता है। तो अगर हमने एक ऐसा क्लासिफायर बनाया हुआ है जो कोई टेक्स्ट ले और उसके सेक्शंस खुद डिफाइन कर दे, ठीक है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वो पढ़ता जाता है लाइंस और फिर खुद बताता है कि जी एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, इंट्रोडक्शन हेडिंग्स कौन सी होंगी। इसे कहते हैं टाइटल जनरेशन, टाइटल जनरेशन। ठीक है जी, टाइटल जनरेशन ये वाली चीज क्लासिफिकेशन की बनती है। इन एनी केस यहाँ पे भी ये बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया, ये मेडलाइन आर्टिकल जो लिखा हुआ है, ये मेडलाइन में इसलिए लिखा रहने दिया था मैंने कि हम लोग, आप ज्यादा, हम जो बच्चे हैं या आप लोग जो हैं, हम ज्यादातर गूगल को यूज करते हैं, ठीक है, और गूगल पे वैसे सारी चीजें ही पड़ी हैं लेकिन कुछ एरियाज है ना अपनी चीजें अलग की हुई हैं। जैसे बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स पर अगर काम करना हो ना तो उनका गूगल मेडलाइन है ये। ठीक है, बड़े आसान से लोगों ने बता दिया कि अगर आपने यानी कि डॉक्टरी के पेपर वगैरह ढूंढने हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ढूंढने हैं, सिक्वेंसेज के ढूंढने हैं, तो बजाय गूगल पे ढूंढने के ना फिर मेडलाइन पे आप चले जाते हो। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा यहाँ क्या हुआ, अच्छा सॉरी सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, और ये वैसे ही बस मैंने करने के लिए कि चलें कंप्लीट के लिए थोड़ा डिफरेंस डालने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन इन चीजों का हमें पता था। यहां पे ना एक हमने वैसे लिखा है, ये मेश मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स बनता है, ऐसे मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स। ये जो मेडलाइन है ना बेसिकली जैसे गूगल है उसी तरह मेडलाइन है, मेडलाइन के अंदर जो सर्चिंग है वो होती है मेश के थ्रू। मेश क्या है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स। ठीक है, अब मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स से नाम ही पता लग रहा है कि इसमें जो हेडिंग्स होंगी वो मेडिकल सब्जेक्ट्स की होंगी। ठीक है, अब वो मेडिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं, एंटोगोनिस्ट इनहिबिटर्स, ब्लड सप्लाई केमिस्ट्री, ड्रग थेरेपी, और ये कुछ वर्ड हैं। ठीक है, इनका मेरे ख्याल मतलब जानना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ वैरायटी के लिए बताया। ठीक है जी, अच्छा अभी तक का मैं, कोई क्वेश्चन है अभी तक? मैं रिपीट कर दूं, मैंने सिंपल अभी क्लासिफिकेशन की कुछ एप्लीकेशन बताई हैं और ये वो सारी एप्लीकेशन वो हैं जो ना हॉट एरियाज ऑफ रिसर्च अभी भी हैं। अभी भी आप मूवी रिव्यू माइनिंग पे, इसको ना रिव्यू माइनिंग कहते हैं आजकल ना, मूवी रिव्यू माइनिंग पे, आइटम रिव्यू माइनिंग पे, इस पे कुछ आप लिख लेते हो बड़ा अच्छा पेपर आपका छप सकता है। इसी तरह ये मैश के ऊपर आप पेपर लिखते हैं ये छप सकता है। शुरू वाली दो तीन जो एप्लीकेशन बताई हैं तो वो एक हॉट एरियाज ऑफ रिसर्च है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो मैं रुकता हूँ अभी। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, वो बेटा ये होता है, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है दूर से, ठीक है, अगर मैं इसे स्कैन करता हूं, स्कैन करता हूं, ठीक है, और एक मिनट है ना, अगर मैं इसे स्कैन करता हूं तो क्या होगा, ये एक जेपीजी फाइल बना देगा, ऐसे ही होगा। अब मैं कहता हूं कि यार को टेक्निकल स्पॉन्सर्स की जगह ना मैंने चेंज करना है, मैं कोई वर्ड चेंज करना चाहता हूं, कर सकूंगा? नहीं कर सकेंगे ना। तो इसको अगर हम ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें कि ये चेंज कर सकें, इसे कहते हैं डिजिटाइजेशन, कि डाटे को हार्ड फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक हो गया, और ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन का मतलब क्या है कि करेक्टर होता है एक करेक्टर ना, ठीक है, जैसे चले ये को ही लिखा था, सीओ लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता कि वो सारे वर्ड इकट्ठे पढ़ देगा, वो एक वर्ड में एक चीज पढ़ा होगा, इसलिए जो एक टाइम पे, सॉरी एक टाइम, हाँ एक टाइम पे एक चीज पढ़ा होगा, इसलिए कहते हैं कि यह है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल का मतलब है कंप्यूटर यानी कि बिजली या लाइट, और करेक्टर रिकॉग्निशन मतलब करेक्टर को आइडेंटिफाई करना, तो एक वर्ड में वो एक को पढ़ेगा। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? इसकी एक और एप्लीकेशन जो कॉमन है, हम अभी FIB भी करवा रहे हैं, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है गाड़ियों का ना, हमें एक टास्क मिला हुआ है कि यूनिवर्सिटी में जो गाड़ियां आती हैं उनका रिकॉर्ड हम रखें। ठीक है, तो कैमरा लगा हुआ है, जो गाड़ी आ रही है उसकी नंबर प्लेट पढ़नी है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कोई तस्वीर है जो नंबर प्लेट के साथ होती है, तस्वीर लगी होती है, मीनार पाकिस्तान या ये वो चीज़ें, वो अलग कर दो और फिर सिंपल नंबर रीड कर लो और फिर उसे अपने पास सेव करो और फिर आगे कंट्रोल सेंटर पर भेज दो। समझ आ रही है वाली बात? तो वो चीज़ है। चलें ये फिर कुछ दोबारा रिपीट किया हुआ, देख लो जल्दी से ये।
जी, या जितने मर्जी तरीके हो ना, लिमिटेड होते हैं वो। ऑथर जितने मर्जी हो ना, स्टिल उसके दूसरे से डिफरेंट होता है। ये देखें, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वापस आते हैं। कई लोग होते हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक पे ना कई दफ़ा आता है जी कि वो कोई शेर होता है, नीचे इकबाल आ जाता है लिखा ना, और आप पढ़ के हंस रहे होते हैं, यार देखें ये हो ही नहीं सकता इकबाल का शेर, होता है ना ऐसा। इसी तरह कोई, हाँ जी, नहीं नहीं कोई नहीं होता ना, वो नाम चेंज किया होता है, होता है कि नहीं होता, वो नहीं होता, वो उन्होंने तो अलामा इकबाल ही कहा होता है ना। इसी तरह अच्छा कंप्लीट करने दें, इसका मतलब है मेरे जैसा बंदा जिसका कोई लिटरेचर से इंटरेस्ट नहीं है, जिसने सिर्फ 10वीं तक नंबर लेने के लिए इकबाल के शेर पढ़े थे या रटे लगाए थे, ऐसे है ना, वो भी फौरन गैस कर लेता है, फौरन गैस कर लेता है कि भाई ये जो है इकबाल का शेर नहीं हो सकता, या गालिब का नहीं हो सकता, या फराज का नहीं हो सकता, जो भी मशहूर है शेर, होता है ऐसा कि नहीं होता। इसका मतलब ये कि अगर मेरे जैसा बंदा जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप में से अगर कोई बंदा या बंदी होते हैं ना, हमारे पास कई शायर भी हो सकता है कोई आप में से, वो तो फौरन बता देगा कि यार ये जो शेर है ये किसका हो सकता। ऐसे कोई है एग्जांपल आपके पास, कौन है आप? अच्छा लिखते हो आप, बट ठीक, तो आप, आपको समझ आती है, एग्री करते हो इस बात से जो मैं कह रहा हूँ कि आप राइटिंग देख के बता सकते हो कि राइटिंग किसकी होगी, शेर शेर वाली, ऐसी है? इसी तरह यार मेरी सुन लें जरा, थोड़ा तेज चलें ताकि आगे चले सही। सेकेंडली इसी तरह है कि जैसे अगेन मैं तो फिर बहुत वीक हूँ, लेकिन नॉवलिस्ट एंड डिफरेंट ना, ठीक है ना, हमने तो यहीं से एग्जाम्पल कोट करनी है, तो विलियम शेक्सपियर का जैसे वो कहते हैं कि जो उसके लिखे अफसाने होंगे वो लोग समझ लेंगे, इसी तरह कुछ एग्जाम्पल बुक से कभी रटे लगाए थे, चार्ल्स डिकेंस है कोई, मैंने तो नहीं पढ़े हुए लेकिन है ऐसे, एग्रीड है ना, तो है हाँ, जेम्स हैमिल्टन होंगे एंड सोनी काफ़ी सारे होंगे, तो उनका राइटिंग स्टाइल होगा एक फिक्स ना, ठीक हो गया, तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट यार अभी तक का? अच्छा ये चीज जो है ना सेंटीमेंट एनालिसिस, ये वही चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज, ठीक है, लेकिन सेंटीमेंट्स ना थोड़ा सा इससे आगे है। सेंटीमेंट एनालिसिस जो है ना वो सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर है, सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इधर ना डिपार्टमेंट में एक चल रहा था, एक फंक्शन तो नहीं कहना चाहिए, डिस्कशन थी, तो वहां पे अभी बिस्किट सर्व किए गए, ठीक हो गया, तो एक बंदे ने उठाया बिस्किट, उसने कौन सी कंपनी का, तो हमने पढ़ा लूक है, आगे आगे समझ आ गई ना आपको, ये सेंटीमेंट्स हैं बस सिंपल, तो सोशल मीडिया पे सेंटीमेंट को अंडरस्टैंड करना, ठीक हो गया, तो ये एक एग्जांपल है, जिनको नहीं समझ आई वो बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग है तो इतनी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसे फार्मूलेट कर लेते हैं, अभी मैंने ना सिर्फ ये टच किया है इसकी, अच्छा अब यहाँ पे ही है क्योंकि अब फाइनल ईयर में, तो थोड़ा बहुत ना हम इक्वेशंस को टच करेंगे, इसको कहते हैं फार्मूलेट करना कोई प्रॉब्लम ना, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसकी फॉर्मलिज्म क्या होगी, अभी तक हमने बैकग्राउंड बता दिया, अब हम जाना चाह रहे हैं कि जी करनी कैसे है, सिर्फ बातें तो नहीं करनी, करना भी है इसको, ठीक हो गया, तो वो अब हम स्टेप शुरू करते हैं और फिर देखते हैं आज हम ये क्या होता है, बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लेंगे, उसके बेसिक स्टेप्स भी, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इन एनी केस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, इनपुट हमारे पास आर डॉक्यूमेंट और उसका नाम है डी। अभी हम आसान कर लेते हैं कि हमारे पास लेट से कोई पेज निकाल लेते हैं, इधर से कोई भी निकाल लें, आप नहीं 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 ये नहीं, ऐसे नहीं, देखिए ये ना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला ना सिंपल कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने इस टेक्स्ट को रीड करना है और इस पर एक लेबल लगाना है, बस इसको कोई टाइटल देना है, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये बात समझ आ जाती है, या लिखूं कोई एग्जांपल छोटी मोटी, ठीक है, सिंपल मैं दोबारा, ये देखें जिसको नजर नहीं आ रहा, दोबारा ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ हमारे पास, ये जो काला काला सा दूर से भी नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर कोई हमने लेबल लगाना है, ठीक है जी, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हमने सॉल्व करनी है, वही बता रहा हूँ ना बेटा, वही तो बताने में प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, ये लिखूंगे, ठहरने सोच लेते हैं, ठहरने शायद पहले भी मैंने बोली होगी जी, टाइम जाया ना करें, ठीक है यार, आइडिया आपको समझ आ गया कि कोई भी टेक्स्ट है ना आपके पास, उस पर आपने कोई टाइटल लगाना है, बस ये करना, ठीक है, अब वो करने के लिए क्या है आपके पास, इनपुट क्या होगी, आ डॉक्यूमेंट डी, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है और एक सेट ऑफ क्लासेस है, ठीक है, एक सेट ऑफ क्लासेस है, क्लासेस से मुराद क्या है, जो उसका टाइटल या लेबल लगना है, ठीक है, जैसे वहाब साहब बैठे हुए हैं, वहाब नाम है ना, हाँ चलो जो भी है, वहाब साहब बैठे हैं, अब इनके अगर हम पर्सनैलिटी को देखें, लेट से अगर ये डॉक्यूमेंट है, एक अगर एक डॉक्यूमेंट है ये, तो इन पे डिफरेंट लेबल्स हम लगा सकते हैं, ऐसे है ना, जैसे पहला लेबल इनका नाम ही है, दूसरा लेबल हो सकता है हम कहें जी कि ये क्लास के टॉपर है, ठीक है, लेट से तीसरा लेबल हम कहें जी थीटे हैं एंड सो ऑन, ऐसे है ना,
वो भी आप लगा दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे लेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये डॉक्यूमेंट है और ये कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं, C1 से लेके CJ, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास सिंपल ही होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको मल्टीपल क्लासेस में हम असाइन कर सकते हैं, एग्रीड। अच्छा, और आउटपुट है हमारे पास प्रेडिक्टिव क्लास C, और ये जो C है वो इस सेट में से कोई होगी ना, ये बात समझ आ जाती है, गुड हो गया, चलें आगे चलते हैं जरा इसको। अच्छा जी, हैंड कोडेड रूल्स, अब इसको एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पैम वाली फिल्टरिंग पे आ जाते हैं अब हम ना। स्पैम का जो हमने फिल्टर बनाना है, मैं आपसे कहता हूं आपने कोड लिखना है कि कोई भी आपको मेल आए ना तो वो बताएं कि इनबॉक्स में जानी चाहिए या स्पैम में जानी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमने स्पैम में अगर बात करनी है तो जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, लेट्स से कि आप ना बैठ जाते हो, आप कहते हो कि यार अच्छा ये कीवर्ड्स अगर आए तो ये स्पैम होगी और ये कीवर्ड आए तो ये इनबॉक्स में जाएगी, ऐसे करेंगे ना। अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपको एक मेल आई है और आप ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कॉमनली हम भी क्या देखते हैं कि स्पैम के अंदर वो ईमेल्स जिनके अंदर डॉलर साइन लगा हुआ है, लॉटरी लिखा हुआ है, ऐसे ही वीसी लिखा हुआ है कि जी आप वीसी बन गए, ठीक है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो क्या होती हैं, वो स्पैम में जाती हैं, ऐसे ही। या आपकी एज के अंदर आपने कहीं सीवी फेंकी, अगले दिन आ गया कि जी नहीं नहीं एक्सेप्टेड, अगले दिन ही आपको आ गया कि जी यू आर एक्सेप्टेड, हमें कुछ पैसे जमा करवाओ और आप 50,000 महीने की तनख्वाह ले लो, स्पैम, ऐसे ही ना। तो आपको बंदे को किसी का ना पता हो, अपने आप को पता होता है कि क्या वर्थ है ना, ऐसे होता है ना। बेनजी इनकम, हाँ वो देखे कितनी बेने सबको आई होंगी आपको, अब एहसास का शुरू हो गया, बस वो बिस्प की जगह एहसास का वर्ड आ गया, लेकिन ये स्पैम है सारे, ऐसे ही ना, एग्रीड। अच्छा, अब एक मिनट है, अब एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम सिंपल ये वर्ड्स देख लें और इन वर्ड्स की मदद से हम क्या बता दें कि ये स्पैम है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है, इसको कहते हैं हैंड कोडेड रूल्स या हार्ड कोडेड रूल्स भी कहते हैं इनको, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे, एक्यूरेसी कैन बी वेरी हाई, ऐसे होगा कि अगर आपने कुछ वर्ड्स की मदद से अपना क्लासीफायर बनाया या अपना एल्गोरिथम लिखा तो क्या वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करेगा या नहीं करेगा ना, ऐसे होगा ना। कि अगर आपने कहा कि जी जब भी बिस्प का वर्ड आए ना उसमें डाल दो, एहसास का वर्ड आए स्पैम में डाल दो, लॉटरी का वर्ड आए स्पैम में डाल दो, प्रॉब्लम्स क्या होगी, जी तो पाकिस्तान आए डाल दो आगे, जी प्रॉब्लम क्या होगी, जी एग्रीड, ऐसे ही। अगर हमने हार्ड कोडेड हैंड कोडेड रूल लिखे हुए हैं तो फिर अगर एक्चुअल भी कोई चीज होती है तो वो स्पैम में चली जाएगी, एग्रीड, ऐसे ही। एक प्रॉब्लम ये है, उससे बड़ा प्रॉब्लम एक और है, वो क्या है, इससे बड़ा प्रॉब्लम भी एक और है, वो क्या है, बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिस हिट्स आएंगे, मिस हिट्स का मतलब ये है कि आपकी जितनी मर्जी वोकैबुलरी हो फिर चीजें निकलाएंगे। जैसे मैं अगर अभी लिस्ट बनवाऊं आपसे तो मे भी हम 100 वर्ड्स लिख लें, ठीक है, अगली क्लास में मैं जाऊंगा तो मे भी वो 10-15 और ऐड कर देंगे, ऐसे हो रहा है। अगर आपसे ज्यादा कोई एक और क्लास में जाते हैं जो फिल्टरिंग का काम करते हैं वो 100 नए वर्ड दे देंगे, तो इसका मतलब है कि मिसिंग रहेगी हमेशा हमारी, ये बात समझ आती है। एक क्या चीज़ थी कि जी गलत क्लासिफाई करना, और एक चीज़ थी कि नहीं यार अननोन डाटा ना, ठीक है। जैसे अभी भाई ने बात की कि हमें आज तक बिस्प की आती रही है, अब ये बता रहे हैं कि एहसास का भी आ रहा है, ऐसे ही है ना। मे बी एहसास के बाद कोई और चीज़ नहीं आ जाए, अशाना आ जाए, ठीक है, तो वो कोई ना कोई चीज़ आती रहेगी, जो भी नाम ले लें, जो भी नाम ले लें, तो कोई भी आ सकती है। अच्छा, एक तो ये दो प्रॉब्लम हमारे हो गए, तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, जी एक्सपेंसिव क्यों, नहीं नहीं पैसा नहीं है, पैसा तो अलग चीज है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ यार रूल लिखवाओ, हमें टाइम चाहिए ना बहुत ज्यादा, मे बी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपने रूल लिखने स्पैम के, तो अभी तो मेरे कहने पर आप क्लास में लिख दोगे लेकिन वैरायटी उतनी नहीं होगी, फिर आप क्या करोगे, जाके नेट पे ढूंढोगे, हफ्ता लगाओगे, 10 दिन लगाओगे, एंड सो ऑन, टाइम लग जाएगा, ठीक हो गया। इसलिए उसका क्या सलूशन है, उसका सलूशन जो है वो है डेटा माइनिंग या मशीन लर्निंग, ठीक है। उससे मुराद क्या है कि आप कंप्यूटर को दे दो कि यार ये हमारे पास स्पैम की ईमेल्स हैं और ये नॉन स्पैम की या इनबॉक्स की ईमेल्स हैं, कंप्यूटर को खुद डिसाइड करने दो कौन सी स्पैम है और कौन सी नहीं, और उसे लर्न करने दो, नेक्स्ट को वो खुद करेगा, ये बात समझ आती है, कंप्यूटर खुद लर्न कर लेगा वो, ठीक है। चलें जी इस पे आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये उसी के फिर दोबारा हमने बात कर दी कि इनपुट है डॉक्यूमेंट डी, फिक्स सेट ऑफ क्लासेस, अ ट्रेनिंग सेट ऑफ एम हैंड लेबल्ड डॉक्यूमेंट्स, D1, C1, DM, CM,
ये मैं दोबारा बोल भी देता हूं, मैंने बोल अभी क्या बोला था, यहां पे देखें ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट है मैं कहता हूं स्पैम वन, स्पैम का डॉक्यूमेंट है SP1 ठीक हो गया, और इसके साथ मैं क्लास लगा रहा हूं कि ये C1 है, स्पैम की क्लास है ये ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा डॉक्यूमेंट आया उसके साथ मैं C1 भी लगा सकता हूँ, C2 भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन करूँ तो दो क्लासेस हैं स्पैम और फिल्टर, C1 और C2। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा 1 to N और उनके ऊपर लगा दूंगा लेबल C1। ये बात समझ आ रही है? इसी तरह इनबॉक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलग कर दूंगा, उनके साथ लेबल लगा दूंगा C2। मेक सेंस, ये बात समझ आती है? और हमारी जो क्लासिफिकेशन है पूरा सब्जेक्ट है ना वो सिर्फ इस चीज पे खड़ा है, लैम्डा पे। ये जो लैम्डा है, लैम्डा का मतलब क्या है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया जाए और आप क्लास बता दो बस, ठीक है जी। ये सिंपल सी बेसिक फॉर्मूला यही है इसका, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक? प्रॉब्लम समझ आ गया आपको क्या करना चाह रहे हैं? एक डॉक्यूमेंट देना है उस पर लेबल लगा देना, फॉर द टाइम बिंग एग्जाम्पल हमारी सिर्फ स्पैम की है, एक लेबल दिया उसके आगे वो लगा दिया, ठीक है जी। चलें थोड़े स्टेप्स आगे चलते चलते। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास ये फिर डिफरेंट है, नेव बेस्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ये वाले। इनमें अभी हम नेव बेस का थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट नेक्स्ट में करेंगे लेकिन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और फिर कुछ मैं ना आज बेसिक प्रॉब्लम्स बताऊंगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग है ना, जो भी हमारा आधा पौना घंटा लेक्चर चलेगा। अच्छा, यहां पे ना दो चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज ये लिखी हुई है कि सिंपल नेव बेस क्लासिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन बेस रूल। ये नेक्स्ट वीक में मैं जाऊंगा इसका, अभी अगली वाली जो लाइन है उस पर हम बहस करते हैं अभी थोड़ी से। वो ये लिखी हुई है कि जी रिलाइज ऑन अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज बैग ऑफ वर्ड्स, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये तस्वीर से साबित करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लिखा है द बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन, और ये उसके नीचे ना कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ, ठीक हो गया। और अभी हमारा प्रॉब्लम सिंपल, हमने ये करना है कि हमने ये बताना है कि यार ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है, ठीक हो गया। अगर आप अपना होमवर्क जरा करके अपने पास लिख सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर देखेंगे क्या है। नहीं अभी देखें, सही लिखें तो सही। अगर है, अगर है, अगर है तो क्यों है? जी जी, एक बार पढ़ लें, से पढ़ लें फिर देखते ना इन्होंने क्या किया हुआ। आसान है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, इन्होंने भी आसान ही रखा हुआ लेकिन स्टिल। अच्छा देखो, पहला इन्होंने क्या स्टेप किया है कि जब भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें दो की, उसमें वैसे तीन टाइप आप कह सकते हो, लेकिन दो मेजर वर्ड्स की टाइप होती है, जो वर्ड्स है ना, एक होते हैं कॉन्टेंट वर्ड्स और एक होते हैं फंक्शन वर्ड्स, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक होते हैं कॉन्टेंट पहला कॉन्टेंट वर्ड्स होते हैं। कॉन्टेंट वर्ड का मतलब होता है जिसके कोई मानी होते हैं, खुद मानी होते हैं जिसके ना, ठीक है। और कुछ होते हैं हेल्पिंग या फंक्शन वर्ड्स, कुछ कॉन्टेंट और कुछ हेल्पिंग या फंक्शन वर्ड्स। हेल्पिंग या फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिनके अपने मानी नहीं होते, सिर्फ वो वर्ड्स को जोड़ने के लिए होते हैं, जैसे इज, आर, एम, ऑफ, वेयर, वाई, वेन, ये सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनके अपने कोई मानी नहीं है, कॉन्टेंट वर्ड्स अहम होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया, सही है जी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि जब ये चीज आपने लिखी आई लव द मूवी इट्स स्वीट्स और ये वाली सारी चीजें, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया, ये एक बैग नजर आ रहा है ये वाला ना, ठीक है। अच्छा, इस पर भी थोड़ी सी मैं इंट्रो बैकग्राउंड बताता हूँ। बैग ऑफ वर्ड्स का लव्स क्या है ना, बैग ऑफ वर्ड्स, बैग ऑफ वर्ड्स का मतलब ये होता है जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपने उसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर ना एक बड़ी कॉमन टर्म है कि जो आगे आने वाले वर्ड हैं वो पिछलों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना ऐसा। जैसे लेट से मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं कहता हूं आई, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार इसके बाद ना कोई वर्ड गैस करें, चलो ठीक है लव ही सही, ठीक है आई के आगे वर्ड, ठीक है जी, ठीक है कोई मसला नहीं। और जी एक मिनट, ठहरे ठहरे, अब इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले सारे वर्ड आ सकते हैं, उस्मान आ सकता है,
नहीं आ सकता, ऐसे एग्री नहीं आ सकता, मुसलमान नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता, दूसरा वर्ड ऐसे, एक मिनट है, एम आ गया, पहला वर्ड आई है, दूसरा एम है, ये सुन लीजिएगा थोड़ा सा, इसको जोड़ो मैं, क्योंकि ये मे बी नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आएगा, लेकिन थोड़ा अभी कंसेप्ट समझ लें, यहाँ पे काम आ जाएगा। आई आ गया और एम आ गया, ठीक है भाई छोड़ दे उससे आगे भी चल, एम के आगे चलते हैं यार। अच्छा अब एम के आगे क्या आ सकता है यार जी, अपना नाम तो लव होना चाहिए पहले, नहीं आई एम, यार जो वर्ड आ सकते हैं पहले वो बताओ, जो नहीं आते वो बता दो, आप भी बोलो जरा यार, ये फिर नाम पे आ गए जी आगे, ठीक है और अच्छा चले लेट से लेट से लेट से दोबारा समझाना चाह रहे हैं वो समझे, कौन से वर्ड है जो नहीं आ सकते, हाँ ये आ सकता है, अगर आई एम हटा के कार काशिफ इज आगे कार आ सकता है, नहीं आ सकता ना, या एरोप्लेन आ सकता है, काशिफ इज एरोप्लेन आ सकता है, लेकिन उसे उर्दू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है तो अगर आ सकता है कि नहीं, नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, एक मिनट ठहरना, अच्छा एक मिनट, अब प्रॉब्लम देखते हैं ना, प्रॉब्लम देखते हैं, इसका मतलब है कि हम सारे एग्री करते हैं कि ये चीजें ऐसे चलती हैं, ठीक है ना, कि पहला वर्ड दूसरा तीसरा, ये जो इसको, ये जो चीज जो मैंने अभी लिखी है ना, इसको ग्रामर में ना, टेक्स्ट प्रोसेसिंग की ग्रामर में इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, लैंग्वेज मॉडल, लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है लैंग्वेज को लिखने का तरीका, कि जो रूल्स या सेट ऑफ रूल्स के थ्रू आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हो उसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, ठीक हो गया, ये आगे काफी इसकी लंबी कहानी है, लेकिन अभी आसान रखने में लिए इसको लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, और ये बात आपको समझ आ रही है कि टेक्स्ट के अंदर ये चीज जरूरी है, ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली जो नेव बेस है या जो बेस है या जो बैग ऑफ वर्ड्स हम कह रहे हैं, वो कहता है भाई ये जरूरी नहीं है, वो कहता है आई के बाद उस्मान भी आ सकता है, लव भी आ सकता है, वांट भी आ सकता है, और आई एम के बाद काशिफ भी आ सकता है, कार भी आ सकता है, हर चीज आ सकती है, ये बात समझ आ रही है। जो बैग ऑफ वर्ड है वो क्या कहता है, आसान लफ्जों में बल्कि जो इन्होंने दिखाया भी है, बैग, बैग का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं बैग, उसमें आप कोई चीज भी डालते जो बस वो अंदर चली गई, जरूरी नहीं है कि नीचे ये चीज रखो, ऊपर रखो, ये करो वो करो, सिंपल बैग का मतलब चीजें क्या खट्टी पड़ी हैं, ठीक है। और बैग ऑफ वर्ड्स का भी मतलब ये है कि जो आपके पास वर्ड्स हैं उनमें कोई स्पेशल स्पेशल स्पेशल, ये वर्ड लिख रहा हूं SPATIL, स्पेशल रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये वो कहता है। अब क्वेश्चन यहां पे पहला हमें खुद सोचना चाहिए, फायदा क्या होगा इसका, नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, पहले नुकसान बात कर लेते हैं कि वो समझ आती है हमें जी, बिल्कुल तरतीब खराब हो जाएगी हमारे लिहाज से, बिल्कुल ठीक, फेयर एनफ, फायदा क्या होगा जी, कौन से जी, पहली चीज यही होगी कि हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, ऐसे ही है, प्लस प्लस उससे बड़ा फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हो सकता है जो बनाने वाला है उसकी वोकैबुलरी इटसेल्फ कम हो, ये बात समझ आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स तो स्टेट अवे हैं कि जी आई के बाद उस्मान नहीं आता, लेट्स से, लेकिन मे भी कुछ ऐसे रूल्स हों जो हम समझते हो कि नहीं आने चाहिए लेकिन किसी की लाइब्रेरी में होते हो, ये बात समझ आ रही है, तो फिक्स नहीं होगी वो, बेसिकली जो है ना फिक्स से हम बच जाएंगे, ठीक हो गया, तो जेनेरिक होगा कंसेप्ट ना, ये बात समझ आ जाती है भाई, यही इसका कंसेप्ट भी यही था। अच्छा नहीं नहीं कैसे ये यहाँ पे आया, अब आगे हम चलते हैं। अच्छा तीसरी चीज हमने करनी है, जो आगे लाइन लिखी हुई है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है, इसको कहते हैं कितनी दफा आया, फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है, या इसको कह सकते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आसान सा कंसेप्ट है, बिल्कुल बच्चों वाला के भाई सिंपल, एक वर्ड कितनी दफा आया, ठीक हो गया, क्लियर है वाली बात भी। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कोई ऐसी चीज होती, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दी, मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं, कोई मैं कहता हूं यार कि शाहिद अफरीदी ना बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन आज जीरो पे आउट हो गया, अब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये, उस वक्त अगर कोई कहता तो हम तो बहुत गालियां दे रहे होते, वर्ल्ड कप में लेट से जी अफरीदी साहब खेलने आए, फाइनल मैच आ रहा था, ठीक हो गया, जीरो पे वो मार के आउट हो गए, और आगे से हमने कहा, मैंने ये बात कर दी प्लेयर बहुत अच्छा है, आज ही जीरो पे आउट हुआ ना, तो अगलों ने दरवाजा बंद करके मारना ही था, ऐसे होना था ना, होता कि नहीं होता, और अगर आप, और ये हमारे साथ हुआ है ये वाली चीज भी ना इस तरह की, खैर वो जीत गए थे 2009 का वर्ल्ड कप ना,
मैंने देखा मेरे साथ इंडियन बैठा था, बंगाली बैठा था, एक श्रीलंकन बैठा था, और श्रीलंका से आप पता नहीं छोटे होंगे, श्रीलंका से मैच था पाकिस्तान का, अब हम ना खुशी शो कर सकते थे ना गमी, समझिए। तो इसका मतलब यह है कि वर्ड जो है ना वो अब उनमें डिफेंस कैसे करना है। लेट से दोबारा वापस आता हूँ, अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन जीरो पे आउट हो गया, क्या हो इसका, कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छी स्टेटमेंट है बुरी है? नहीं नहीं अभी उस पर नहीं है, देखिए अभी अभी हम उधर नहीं गए, ये आगे जाके और चीज हो जाएगी, अभी फ्रीक्वेंसी काउंट पे बात करते हैं। अगर दोबारा स्टेटमेंट सुनो, अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन जीरो पर आउट हो गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होगी? अच्छा, बहुत, ऐसे ही है ना, प्लेयर, ये तीन चीजें पॉजिटिव है, जीरो, आउट, बस ये दो नेगेटिव है। तो इसका मतलब अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट भी हमने करनी है तो ये हो सकता है, ठीक हो गया। थोड़ा सा और अगर इसे बढ़ा लें, थोड़ा सा और इसे बढ़ा लें, हम पांच मैचों का डाटा उठा लेंगे, सिंपल हम पांच मैचों का डाटा उठा लेंगे, हमें पता चल, व्हाटएवर जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, पांच के पांच पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका नाम क्या है, क्या सरवरी अली, अली 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 यार अली अली भाई जो है वो मेरी तरह बजिद है कि जी अफरीदी को अच्छा प्लेयर साबित करना है, 10 का उठा लेंगे, 15 का उठा लेंगे, कोई डाटा हम बढ़ाते जाएंगे जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, समझ आ रही बात की? इन्हें नहीं किसी एक फ्रीक्वेंसी वर्ड पे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, ये चीज हमने बताई हुई है, देखो ये लैम्डा है हमारा, ये हमारे गिवन वर्ड थे कि जी सीन, स्वीट, विम्सिकल, रिकमेंड, हैप्पी, ये सारे हमारे पास हैं, और ये हमने क्लास बतानी है, ठीक हो गया। अब यहां से क्लियर ही पता लग रहा है कि ये सारे वर्ड जो है पॉजिटिव है, सीन का मतलब देखा, स्वीट का मतलब अच्छा, विम्सिकल का मतलब क्या होता है, जादुई, सहर अंगेज, जिसको देखे बंदा हैरान कुन हो जाए, ठीक है ना, ये वो है रिकमेंड और हैप्पी वाले सारे, ठीक है। अब मैडम ना याद आ गई हो सहर, अच्छा इन्हें नहीं, मैंने ना यहाँ पे ना इसको अभी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, यहाँ पे मैंने फॉर्मलिज्म को अभी रोक दिया, ये मैं अब नेक्स्ट में करूंगा, उससे पहले ना थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब हमारे पास टेक्स्ट कभी आता है तो हमें कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं ताकि हम क्लासीफायर लगा सके, ठीक हो गया। आसान से वर्ण देख लेते हैं जल्दी जल्दी, अच्छा हमारे पास पहली चीज यहां पे लिखी है, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, इतना लंबा नहीं चलना। इन एनी केस हमारे पास ये है कि जब भी कोई वर्ड या कोई डॉक्यूमेंट आता है सबसे पहले डाटा नॉर्मलाइज करते हैं। एक आप में से शायद ग्रुप FIP कर भी रहा है डाटा नॉर्मलाइजेशन का, क्या मतलब होता है नॉर्मलाइज करने का? अगर आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने डाटा को नॉर्मलाइज करना है पहले, इसका सिंपल लफ्जों में मतलब ये ले लेते हैं कि हम प्री प्रोसेसिंग करके उसे क्लासिफिकेशन के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें एरर्स रिमूव कर देते हैं, उसको बेस फॉर्म के ऊपर लेके आ जाते हैं, और बाकी चीजें वो भी हमने देखनी है वो क्या, ठीक हो गया। कुछ एग्जांपल्स आएंगी, कोई 10 एक स्लाइड्स हैं, ये देखते हैं अभी हम। अच्छा ये नहीं मैंने बोला, NLP का मतलब है, मैं अभी पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको अगर आ गए तो, ये थोड़ी सी मैं टर्म्स यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है जी। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, नीचे इधर से चले इधर चला लेंगे, एक होता है ऑडियो और एक होती है टेक्सचुअल, ठीक है, एक है ऑडियो एक है टेक्सचुअल, ठीक है। ऑडियो के लिए वर्ड यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देखिए मैं जो चीज बोल रहा हूं अभी मेरे जो यानी कि जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो ऑडियो कहलाती है, ऐसे ही ना, वो फोनेटिक्स भी कहला सकते कहते हैं उसे ऑडियो भी कहते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आप राइट कर रहे हो, ऐसे हो रहा है ना, वो आपकी बन रही है टेक्स्ट प्रोसेसिंग, अब ठीक हो गया। अगर आप इस साइड पे चले जाते हो ऑडियो प्रोसेसिंग वाली साइड पे तो आपको फोनेटिक्स में काम करना पड़ता है, इसे फोनेटिक्स पूरी, इसका मतलब ये ब्रांच है किस्म की कि जब आपने ऑडियो पे काम करना है तो आप कहते हैं जी मैं फोनेटिक इंजीनियर हूँ, लेट्स से, ठीक हो गया। और जो टर्म्स यूज करते हैं उसे कहते हैं फोनोलॉजी, जैसे होती है ना बायोलॉजी और बाकी सारी चीजें, हाँ तो वो इसी तरह इसे कहते हैं फोनोलॉजी, ठीक है, फोनोलॉजी के फोन्स, फोन्स की तरह से जो हम बोल रहे हैं वो फोन्स हैं, और वो उस ब्रांच को सारे को फोनोलॉजी कहते हैं। और जो टेक्स्ट वाली है वो मॉर्फोलॉजी, ठीक हो गया। अब इसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर ही अभी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा,
अभी हम टेक्स्ट की एग्जांपल ले रहे हैं और हमने ये देखना है मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या चीजें होती हैं। उनमें से कुछ मैंने आज के लेक्चर में जोड़ी हैं अभी वाले में, और कुछ मॉर्फोलॉजी का मैं एग्जांपल आपको मे बी अगले एक दो लेक्चर में जब मैं इसको साथ साथ चलाऊंगा तब मिक्स कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मॉर्फोलॉजी के अंदर यहां पे सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि दिया नहीं हुआ, बाद में कभी एक्सप्लेन कर देंगे। मॉर्फीम, मॉर्फीम का मतलब होता है सिंगल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस इन टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर सिंगल यूनिट क्या होगा किसी चीज को प्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं प्ले, प्ले PLAY, ये एक मॉर्फ है या मॉर्फीम है, ये ना मॉर्फीम। अब इसकी मदद से काफी सारे वर्ड बन सकते हैं। थोड़ा तेज तो नहीं हो गया, ठीक जा रहे हैं? दोबारा रिपीट करता हूं, NLP, दो चीजें, ऑडियो और टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड है जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स को समझना, मॉर्फीम का मतलब होता है वर्ड, सिंपल वर्ड ना, जो टेक्स्ट का वर्ड नहीं होता उसे कहते हैं मॉर्फीम, ठीक है, बात समझ आती है? गुड। मॉर्फीम की एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है प्ले, अब ये सिंगल वर्ड है बिल्कुल ना। अब इससे काफी सारे वर्ड बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेयर बन सकता है, प्लेइंग बन सकता है और प्लेड हो सकता है। चलिए सारे आगे वाले हो गए, पीछे क्या आ सकता है प्ले से? वेल प्लेड जोड़ के हो सकता है, रिप्ले कह सकते हैं, ठीक है, रिप्ले कह सकते हैं, वेल प्लेड भी कह सकते हैं, और कोई डिस्प्ले हो सकता है, शाबाश, कोई ऐसा है जो दरमियान में प्ले आ जाए, ठीक है, डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे वर्ड हो सकते होंगे आपके जहन में आ जाएंगे जिनमें दरमियान में वर्ड और उसके स्टार्ट में और एंड में फिर कोई वर्ड, ऐसे है ना, यानी कि बेस वर्ड एक है और उसके साथ कुछ और वर्ड यूज हुए हैं। तो मेरे जहन में अभी प्ले आया था तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो स्टिल वो चीजें देखी जा सकते हैं। इन एनी केस अभी हम थोड़ा सा ये वाली डिस्कशन को होल्ड करते हैं, ये मैं फिर देख लूंगा कोई लेक्चर के लिहाज से, अभी जो की हुई है उस पर बात आते हैं। बता दिया था ना, चलें अभी इसमें तीन ही चीजें इसी पे आ जाते हैं। अभी सिर्फ उन्होंने ये बताया या इस वाली में जो मैं भी लेक्चर करके आया था उसमें ये कि कोई भी आपने एनएलपी का टास्क करना है और वो टास्क कौन सा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो आपको एटलीस्ट तीन चीजें प्री प्रोसेस करनी पड़ेंगी डेटा नॉर्मलाइजेशन की। उनमें पहला है सेगमेंटिंग टोकनाइजेशन वर्ड्स इन रनिंग टेक्स्ट। सेगमेंट या टोकनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो सारे आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। यार कुछ शेयर कर लो, बेचारा था कि थोड़ा सा, दो तीन बंदे उठो ना, इनको बिठाओ जरा, कोई बात नहीं, जगह दे दो यार, कुछ नहीं होता, मिक्स कर ले, जो बैठ के थक गए वो बेशक खड़ा हो जाए 5 मिनट, कोई बात नहीं, अच्छा बैठा हो, हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट, कोई बात नहीं, आ जाओ, ये भी खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर। आप भी बेटा थक गए तो फिर चेंज कर लें थोड़ा सा, आए यार आओ, हमें पैसे मिलते हैं, आ जाओ, फिर कैसे थकेंगे, अभी आप जाओगे ना सॉफ्ट हाउस में फिर पूछेंगे थकेंगे नहीं, सारी बात है, फिर हम तो नहीं कह सकते ना जब। चलो जी, नहीं कैसे, नहीं कैसे, दोबारा नॉर्मलाइज कर लिया ना, ठीक है, जो ज्यादा थके हुए थे नॉर्मलाइज हो गए। अच्छा जी, सेगमेंटिंग टोकनाइजिंग वर्ड्स इन रनिंग टेक्स्ट, आसान कंसेप्ट है, सिंपल। टोकन भी आप, जैसे मैंने मॉर्फ कहा था ना, उसको आप टोकन भी वर्ड कह सकते हैं, कि जो आपने लिखा, जैसे मैं कहता हूँ आई वेंट टू CS डिपार्टमेंट, तो आई एक टोकन है, वेंट टोकन है, CS टोकन है, तो 4-5 ये टोकन है, ठीक हो गया। अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मैं भी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इस पे भी एग्जांपल पे आते हैं, बताता हूँ, इसी तरह ये दूसरा, ये तीसरा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी क्लियर भी हो जाएगी चीजें कुछ। यहाँ पे मैं ये चीज लिखी है कि आई डू हूँ मेनली बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने टोकन हैं या कितने वर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर ना मैं पहले एक अजम्पशन दे दूं, हमने एक क्लासीफायर बनाना है और उस क्लासीफायर ने सिंपल ये देखना है कि अगर पॉजिटिव वर्ड ज्यादा है तो पॉजिटिव क्लास लगा दो, नेगेटिव वर्ड आए तो नेगेटिव क्लास लगा दो, बस। इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमने गलत काउंटिंग की तो हमारा क्लासिफायर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अफरीदी वाली अगर बात की थी, अगर आप कहते हो कि जी अफरीदी एक अच्छा प्लेयर है लेकिन आज 0 पर आउट हो गया, मैं ये कहता हूँ यार लेकिन से जो पहले वाले पॉजिटिव वर्ड हैं बाद वाले नेगेटिव हैं, तो हमारी डेफिनेशन के लिहाज से अफरीदी बैड प्लेयर होगा। मेक सेंस, ऐसे ही है ना।
और अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार जीरो जहां पे वर्ड आ रहा है उसके आगे वाले नेगेटिव कर दो तो फिर वो एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आ गई प्रॉब्लम। अब इसके लिहाज से हम देखते हैं, लेट से इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब यहां पे इन्होंने क्या कहा है, फ्रेगमेंट्स फिल्ड पॉजेस। इसका क्या मतलब होगा, फ्रेगमेंट्स और फिल्ड पॉजेस। दोबारा हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने सिंपल काउंट करना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे नजर आ रहा है ना। अब यहां क्वेश्चन है कि जो फिल्ड पॉजेज हैं क्या वो वर्ड्स हैं। फिल्ड पॉजेस का मतलब ये, जैसे अभी ये पॉज आया हुआ है, यूएच जो लिखा हुआ है, हम बोलते करते हैं ना, अगर मैं भी इंग्लिश बोलता हूं तो मैं आ करना शुरू हो जाते हैं हम, और ये गोरे भी करते हैं, ये नहीं हम ही सिर्फ करते हैं, गोरे भी करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स हैं ये नहीं। अच्छा जी, इसी तरह यहां पे हम कहते हैं जी कि एक है हमारे पास कैट्स का वर्ड और एक है किसी पर्सन की कैट ना, जैसे यहां पे स्यूज कैट्स इन द हैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट्स। ठीक है, अब यहां यहां पे समझने का क्या फर्क है कि ये पार्ट ऑफ इसके साथ एस आ रहा है या वो प्रूलर आ रहा है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। जैसे देखे ना, कैट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कैट्स, और इस तरह भी लिख देते हैं कैट्स, तो ये दोनों डिफरेंट है ना। तो अब हम दो वर्ड काउंट करेंगे या एक वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा उसके लिहाज से कि जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको करने के सोल्यूशन पे आते हैं कि हम करेंगे कैसे इसको ना। अगर हमारे पास कैट्स है विद पास्ट ऑफ सी एस और या फिर हमारे पास प्लूरल का है, तो इसकी जो बेस चीज बने उसे कहते हैं लेमा। ठीक है, लेमा, या इसे के लिए वर्ड यूज करते हैं लेमाटाइजेशन, लेमाटाइजेशन। ठीक है, अगर आपके पास वर्ड दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा था कैट्स का या सी ए टी कॉमा एस, इसे कहते हैं लेमाटाइजेशन लगाना इस पे ना। लेमाटाइजेशन का मतलब क्या है कि वो कैट को या कैट्स को कहेगा सेम चीजें दोनों। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है। लेमाटाइजेशन अगेन, कोई भी वर्ड आपके पास दिया गया उसको उसके बेस वर्ड में ले आना, ये है लेमाटाइजेशन। जी बच्चों, समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यार, चलते हैं जरा ना, स्लाइड भी उस तरह दी है। अच्छा, इसी तरह यहां पे ये है लेमाटाइजेशन या लेमा बेस फॉर्म, और फिर एक होती है वर्ड फॉर्म। अब यहां से क्लियर हो जाएगा, एक होती है वर्ड फॉर्म, कैट और कैट्स जो है वो दोनों एक ही चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू लेमा के, लेकिन उनकी जो वर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट है। ठीक है, वर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे, जैसे ये कैट सिंगल कैट है, मे बी ये स्यूज की कैट है और ये सारी बिल्लियां, तो इनकी जो वर्ड्स बन रहे हैं वो वर्ड फॉर्म डिफरेंट है, बेस फॉर्म या लेमा जो है उनका वो सेम है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है कौन सी चीज अहम होगी। जी, किस केस में लेमा बेहतर होगी, किस में वर्ड फॉर्म बेहतर होगी, ये वाली चीज समझ आई। स्लाइड थोड़ा तेज होगी लेकिन स्टिल देखें, एक मिनट ठहरे, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लेमा वाली किस केस में बेहतर होनी चाहिए और वर्ड फॉर्म किस केस में बेहतर होनी चाहिए, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं। जी, और इसके अलावा जी, अगर हम कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना जा रहे हैं जिसमें सिमेंटिक आता है, मानी आते हैं बेसिकली, फिर हमें वर्ड फॉर्म की हेल्प चाहिए। लेकिन हमने अगर सिंपल रिव्यूज ही देने हैं पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के, तो फिर हमें बैग ऑफ वर्ड्स का मॉडल चाहिए, और बैग ऑफ वर्ड मॉडल में दोनों बराबर ही हैं, ये फिर हमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये राइट कर लीजिएगा, इसको सोच लीजिएगा स्टेटमेंट ना जो मैंने बोली, लेकिन ये ठीक बोली है मैंने, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप सोचोगे ना एग्जांपल्स का, ये इस तरह की जो चीजें देते हैं ना वो पेपरों में भी आ जाती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। जी जी क्या हो गया, मैं अभी आपको देता हूँ एग्जांपल। जी अच्छा, सेगमेंटेशन और टोकनाइजेशन एक ही वर्ड है। सेगमेंट का मतलब सिंपल लफ्जों में होता है टुकड़े करना ना। देखिए, आसान करते हैं इसको और आसान ना। अगर मैं आपसे कहता हूं यार आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, अब मैं कहता हूं इनको सेगमेंट आउट करो, तो सेगमेंट आप किस बेस पे कर सकते हो। देखें, आसान सा है, देखें ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं कहता हूं यार ये ना इधर तक ना इसको वर्ड सेंटेंस को सेगमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे आसान स्पेसिस की बुनियाद पर टुकड़े कर दोगे इसके। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कहोगे एक सेगमेंट ये पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये।
ऐसे ही एग्री करते हैं इस चीज से? इसको सेगमेंटेशन भी कहते हैं और टोकनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है? सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये आएगा जो इसी स्लाइड में नजर आ रहा है अभी, अगर आप इसी तरह सेगमेंट कर देते हो सारे को तो टोकन्स में भी कई जगहों पे सही होंगे, कई जगहों पे गलत हो जाएंगे। जैसे जैसे अगर मैं इसके सेगमेंट बनाता हूं, ये सारे, ये छह हो गया, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां, पंद्रह, लेट से ये पंद्रह, लेट से, ठीक है? सेगमेंट वाइज सही है, सब एग्री करते हैं ना। सेगमेंट से मुराद ये है कि हमने कहा है जहां पे भी ब्लैंक आए ना, ब्लैंक से मुराद स्पेस है, वो अलग कर दो, ठीक है भाई मेरे? ये बात समझ आ रही है? ये हो गया सेगमेंट। अब टोकन की डेफिनेशन वो है एक सिंगल वर्ड, वर्ड का मतलब होता है जिसके को मानी हो, समझ आ रही वाली बात? अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अकेले नहीं आ सकते? कौन सा? नहीं नहीं यार, नहीं, दी तो एक आ गया ना, ये सैन फ्रांसिस्को जो है ना कंबाइंड वर्ड है, ये एक वर्ड है, दो नहीं है, समझ आ रही बात की? तो ये बस छोटा सा फर्क है। सेगमेंटेशन का मतलब है स्पेस की बुनियाद पे अलग कर देना, और टोकन का मतलब क्या है कि आपने टोकन बनाने ऐसी चीजों के जिनके मानी एक हो, समझ आ गई मेरे भाई? जी जी हाँ हाँ, हो सकता है, एग्रीड हो सकता है। ये देखे ना, दे ले बैक ऑन, अभी आप खुद मतलब समझ लो, दे ले बैक ऑन द सैन फ्रांसिस्को ग्रास, ये बंदा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, वो तो देखे, यही तो चैलेंजेस है ना सारे। जैसे अब ये भाई जो एग्जांपल दे रहे थे, थोड़े कोट कर देता हूँ, इनके नाम से नहीं भी लेकिन स्टिल इन्होंने कहा सैन फ्रांसिस्को में भी बंदे का नाम भी हो, होता है ना कई शहरों पे नाम है, सिर्फ फ्रांसिस्को भी हो सकता है, फिर वो सैन फ्रांसिस्को नहीं होगा, वो एक ही होगा, वो उस केस में टोकन और सेगमेंट एक ही होगा। चले इस तरह कर लें, टोकन सिंपल लफ्जों में वो चीज है जो मिलके वर्ड बना, ठीक हो गया? समझ आ रही वाली बात? ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हाउ मेनी वर्ड्स यहाँ पे किए हुए, तो अगर अभी टाइप पे में मैं आता हूँ, एक मिनट ठहरे जरा, पहले इसके एग्जाम्पल आंसर देख लें इन्होंने क्या दिए। तो अभी हमने भी ये बात की कि इसमें 15 टोकन होंगे या 14 होंगे, कितने होंगे इसमें? 14 होंगे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को जो है वो एक सिंगल वर्ड है, ऐसे ही है ना, तो वो टोकन एक ही वर्ड है वो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज दी हुई है टाइप, अब ये जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर एक चीज दी हुई है टाइप और एक दी हुई है टोकन। टाइप जो वो कह रहा है कि वो एक यानी कि टाइप ऐसी चीज है जो मल्टीपल इंस्टेंसेस को डिफाइन करती है, जैसे सिटी जो है ना, सिटी वो एक टाइप है और सैन फ्रांसिस्को उसकी एक इंस्टेंस है, ठीक हो गया? और मैंने शुरू में भी बात की थी कि एक हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग का मकसद ये कि जो गिवन टेक्स्ट है उसको देखना और एक उसे कंबाइंड बताना, जैसे मेल फीमेल का मैंने कहा था कि मेल फीमेल के अंदर जब हम बात करते हैं तो वर्ड्स स्पेसिफिक हमारे होने शुरू हो जाएंगे। तो यही टाइप का उसने बताया कि एन एलिमेंट ऑफ द वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में एलिमेंट क्या है? सिटी, और उसकी टाइप्स कौन से हैं? इंस्टेंसेस ऑफ दैट टाइप इन रनिंग टेक्स्ट। तो सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, सैन जोसेफ और ये सारे जो हैं ये सिटीज हैं यूएस के, ठीक है? ये बात भी समझ आ रही है? चलें, अच्छा जी बेटा, तो खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें, रहता क्या, आसान सा है। अच्छा, अब हम दोबारा वापस आते हैं, मैंने पहले भी कई दफा बोला, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने क्या करना है कि जब भी कोई टास्क करना है, परफॉर्म करना है, हमारे पास कोई ना डाटा सेट होना चाहिए, कोई वोकैबुलरी होनी चाहिए जहां से हम इंफॉर्मेशन उठा सके, ऐसे ही ना। जैसे लेट से आप में से कुछ को शायद या अक्सरियत को सैन फ्रांसिस्को पता होगा, लेकिन मे भी कई ऐसे जिनको सैन होजे का नहीं पता होगा, ऐसे सैन होजे लफ्ज सुना हुआ है पता है, मे भी किसी को ना कुछ को पता हो, मुझे कई वर्ड्स का नहीं पता ना शहरों का, ऐसे ही। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी जहां से हम वर्ड्स वगैरह उठाएंगे, एग्रीड? यही जी जी, यही हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स उठाई हैं कि अगर आपने टेक्स्ट प्रोसेसिंग में काम करना है तो आपको कुछ वोकैबुलरी या कोई डाटा सेट चाहिए, जिनमें सबसे बड़ा सोर्स जो है ना इस वक्त टेक्स्ट प्रोसेसिंग का, वही गूगल का है, ठीक है? गूगल एनग्राम्स के नाम से, जिसमें अब पहले पता नहीं, ये जब स्लाइड्स मेरे ख्याल 2012 की हैं, अब ये पता नहीं कितने ट्रिलियंस पे चले गए ये ना वोकैबुलरी इसकी, ठीक है? और इसी तरह ये जैसे मैंने बात की थी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक था, शेक्सपियर के नॉवल से उन्होंने डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक हो गया? और ये जो स्विच बोर्ड फोन कन्वर्सेशन हैं, ये भी मेरे ख्याल स्टैनफर्ड का एक डाटा सेट है, और ये इन्होंने ना जैसे कहते नहीं यूएसए वाले रिकॉर्डिंग करते रहते हैं आवाज़ों की, तो ये वही डिक्शनरी एक किस्म की है जिसके अंदर सिंपल उन्होंने कॉल रिकॉर्ड रखे हुए हैं, ठीक है? और बेसिकली ये कॉल सेंटर का डाटा है जिसके अंदर बंदा कोई कॉल करता है, वो कहता है जी मेरा पानी नहीं सही जा रहा तो प्लम्बर भेज दो, फोन का मसला है और ये सारी चीज़ें ना। तो ये इनकी कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही है सैन फ्रांसिस्को की, उनका डाटा ये ना, और उसके फिर उन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी सालों का डाटा दिया था, तो ये इतने वर्ड्स बने हुए, ठीक है जी? अब यहाँ पे सिंपल टोकन ये हैं,
और उनकी टाइप्स ही हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ जाती है। तो FIP भी कुछ लोग कर रहे हैं और हम भी काम करवा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये होता है कि डाटा सेट कलेक्शन हम पहले करते हैं, और ये डाटा सेट कलेक्शन, या ये मैंने इसलिए एग्जांपल डाली थी सिर्फ कि कुछ डाटा सेट इस तरह के मौजूद हैं। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन है इसमें? जी 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 ये मैं आंसर दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। उसका फिर एक तरीका वो बताता हूँ अभी ना, ये आप नेक्स्ट में बताऊँ। जी बेटा, टाइप्स का मतलब ये है कि उनकी ना कैटेगरी क्या है। जैसे मैंने अभी कहा है कि सिटी जो है ना, सिटी शहर, ये क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, लालिया के भाई हैं, चलो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इधर से आपसे फौरन अगर मैं क्वेश्चन ये नाम लेता हूँ तो आप गैस कर लोगे ना कि शहरों के नाम है। और अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो आप क्या गैस कर लोगे? कंट्री के नाम है। तो ये टाइप होती है टेक्स्ट की, समझ आ रही बात की? तो ये अच्छा, चलो जो भी है यार। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स दिए जो पहले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थी तो मैंने कहा चले बुक से या स्लाइड से उठाई है, वही है। इश्यूज इन टोकनाइजेशन क्या होगा? फिनलैंड कैपिटल। तो अब ये जो है, ये फिनलैंड है या फिनलैंड है या फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल है, इसको कितना काउंट करेंगे हम? यानी कि दो वर्ड होंगे, एक होगा, तीन होंगे, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन के जो हमारे पास है टोकनाइज करते हुए। उसके बाद वट आर है, ये वट आर होगा, आई एम होगा, इज नॉट होगा, ऐसे ही। इसी तरह ह्यूलेट पैकर्ड जो है, ये एक ही वर्ड होगा, अलग होगा, एक ही वर्ड है वैसे ये ह्यूलेट पैकर्ड जो कंपनी है, HP जिसे कहते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट, ये भी एक ही वर्ड है, लेकिन अगर सेगमेंट्स की बेस पे चलें, जैसे उस वक्त बात हुई थी, तो चार सेगमेंट है ये, ऐसे ही ना। अच्छा, इसी तरह लोअर केस। अब लोअर केस के अंदर भी क्या है कि ये, अच्छा अब ये वाली चीजें तो हैं स्पेस की बुनियाद पे ना, ये अपर और लोअर केस की बेस पे भी हो सकता है वर्ड्स अलग ना। जैसे मे बी जॉन अगर जे से लिखा हुआ है तो हो सकता है नाम है, और अगर जॉन किसी और तरह से है तो मे बी कोई पार्ट होगा, कोई मे बी नाम ना हो, या कोई और एग्जांपल सोची जा सकती है जिसमें स्टार्टिंग वर्ड अगर कैपिटल है तो वो नेम होता है, ऐसे होता है ना वो चीज़ें, तो वो चीज़ इधर बताइए। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को का हो गया। इसी तरह MPH या PAG वगैरह के वर्ड हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये कुछ टोकनाइजेशन के प्रॉब्लम है बेटा, खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल दो तीन स्लाइड है बस। अच्छा जी, कितनी रहती हैं? थोड़ा भगाते हैं यार, भगाते हैं तो बस, ठीक है बेटा, करते हैं फिर अभी कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं, आसान ही है ये, आप देख लोगे वरना। अब देखें, कुछ समझ नहीं आया आपको अभी तक? नहीं, एक मिनट ठहरे, कुछ समझ नहीं आया? आए तो बस फिर यही होता है यार, और मैंने क्या करना यार, वही तो नहीं करवा सकते, कोशिश ही कर सकते। अगर आपको देखिए रेलिवेंट क्वेश्चन है तो वो बताएं। कोर्स तो यही है बेटा, जो मैंने किसी को फॉलो ही करना है कोर्स को, खुद तो नहीं बना के लेके आना ना। अगर क्वेश्चन है और इससे ज्यादा आसान यार नहीं समझा सकते कुछ भी ना, और तो अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो बर्दाश्त करें, ठीक है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें जिसने बैठना है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आई एम हैप्पी टू गो। जब ये कोर्स भी डिसाइड हुआ था ना, तो मुझे ये कहा गया था ये एक कौन सा कोर्स है, इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब सिंगल एक कोर्स होता है वो ना, मुझे कोई शौक नहीं है कि भाई दो दो क्लासेस पढ़ाने का। और मेरी डिपार्टमेंट के साथ भी कमिटमेंट सिर्फ एक कोर्स की है पर सेमेस्टर ना, मेरे पास काफ़ी ड्यूटीज थ्रू डिपार्टमेंट ही हैं। जैसे मैं भाई भी अभी बात हो रही थी, मुझे आप सब जानते हो कि मुझे काफ़ी रोल मिले हुए हैं, मेरी डिपार्टमेंट की एक ही ड्यूटी है, वो एक कोर्स की, इलेक्टिव की, दैट इज 3 आवर्स पर वीक है ना। तो मैं अभी आपको भी पढ़ा रहा हूँ, एक मैं आउट ऑफ डिपार्टमेंट भी पढ़ा रहा हूँ, और MS का कोर्स भी चाह रहा है। हैविंग सेड दैट, आप नहीं करना चाहते, हैप्पी टू गो। मैं रिकॉर्डिंग पढ़ी हुई है इनकी सारों की, वरना मैं दोबारा रिकॉर्ड करवाता हूँ। आप लोग घर से पढ़ना चाहते हैं, वट एवर आप कर लें, मुझे क्या मसला। और डाटा का भी करना चाहते हैं तो वो बड़ी थ्योरेटिकल स्लाइड है, मैं पढ़ाता जाऊंगा जल्दी जल्दी, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो वैलिड पूछिएगा, वैसे टाइम अपना ही जाया करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, इसको पढ़ें जरा, क्वेश्चन हो तो मैं आंसर देता हूँ, नहीं तो आप पढ़ लें खुद ही, लिखा हुआ है इसमें क्या है। लेकिन स्लाइड में खत्म करके जाऊंगा ताकि आगे चलना, कोई बात नहीं, अभी हो जाते हैं, पढ़ के भी गुजारा हो जाएगा आपको, जहीन लोगों को समझ आ जाएगी, कोशिश कर लेते हैं वरना। जी आप बताए ना इसमें क्या इश्यू क्या है। देखें अगेन सुने जरा, देखें अभी हम कहीं पे भी नहीं गए, हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बिल्कुल स्टार्ट पे खड़े हैं, और सिंपल अभी हम एक प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट दिया गया है वो उसके कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ USA, ठीक है ना। अब USA को अगर हम करते हैं तो क्या वो एक वर्ड है, वो तीन वर्ड है, या क्या है, ऐसे ही है ना।
जैसे लेट से मैं अगर इस क्लास में एग्जांपल लूँ, अगर यही क्लास में एमएससी की पढ़ा रहा होता तो हर साल एमएस में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के 5-6 लोग होते, ये बात समझ आ रही है मेरी? तो वो ये कहते हैं कि सर यूएसए जो है ना वो अमेरिका नहीं है सिर्फ ना। अभी जैसे मैं आपकी क्लास में अगर बोलता हूँ यूएसए तो आप फौरन आपके जहन में क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे है ना। लेकिन ये चीज़ मैं अगर एमएस की क्लास में पढ़ाऊँ जिसमें मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि हर साल एमएससी के एडमिशन में 5-6 लोग यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के होते हैं, तो वहां पे हमें टेक्स्ट डिफरेंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे मैं कहता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस स्टूडेंट्स ऑफ यूएसए आर वेरी गुड, ठीक है, आप क्या कहोगे? फौरन कहोगे जी ठीक है अमेरिका के बच्चे अच्छे होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहेंगे कि आप रूल्स बनाएं और आप ये लिख दोगे जी अमेरिका के बच्चे अच्छे होते हैं, एग्रीड, ऐसे ही। लेकिन अगर यही क्लास एमएससी की और मैं कहूँ यार अपनी तरफ से कमेंट करें तो वो फौरन कहेंगे कि यार यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है। ये बात समझ आ रही है? तो यही मैं प्रॉब्लम थोड़े से बता रहा हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना, ये बैकग्राउंड ही है उसी लिहाज से, ठीक है जी। इन एनी केस, अच्छा जी ये हमारे पास आ गया डिलीटिंग पीरियड्स ऑन इन अ टर्म, ये बेसिकली इनको हटा के ये किया हुआ है, ऐसे ही। अच्छा अल्टरनेटिव एसिमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब होगा एसिमेट्रिक एक्सपेंशन? एग्जाम्पल दीजिए इसकी, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए ये वही है जो से वर्ड्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये विंडो है तो विंडो विंडोज ये हम सर्च करते हैं, इसी तरह विंडोज का है तो इसके जो भी कम्बिनेशन हम बन सकते हैं वो हम सर्च ही करते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि उसके फॉरवर्ड या बैक यानी कि इनफिक्स में या पोस्ट फिक्स में और सफिक्स में कोई चीज़ एड ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने प्ले की बात की थी, रीप्ले हो गया, प्लेइंग हो गया, प्लेयर हो गया, ये सारे एक्सपेंशन है उसके, ठीक है। और एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डेटा का मतलब ये होता है जिसमें अगर आप कोई चीज ऐड करते हो तो मानी चेंज ना हो, एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उसके मानी चेंज हो जाए, ठीक है। और अमूमी तौर पे डेटा जो है वो एसिमेट्रिक ही होता है, जब आप किसी चीज में कोई ऐड ऑन करते हैं तो डेटा में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। ये वो एसिमेट्रिक है हमारे, अच्छा जी ये हमने कर लिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा उस पर किसी और टर्म पे चले जाते हैं। अच्छा केस फोल्डिंग का भी आपको आइडिया है बेसिकली, केस फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि क्या लोअर केस में और अपर केस में फर्क है, और अगर हम आईआर की बात करें तो इसमें नहीं होता अगर आईआर की हम बात करें, लेकिन अगर हमने क्लासिफिकेशन बनानी है तो फिर हमारे पास फर्क होगा, ठीक हो गया। कैसे होगा, कोई एग्जांपल आती है जहन में? आईआर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जैसे गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर आप लिखते हो चाहे अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में एक ही चीज बनती है। आप वेबसाइट्स देख लो, वो कभी भी वो केस इनसेंसिटिव होती है वेबसाइट्स का एड्रेस ना, जैसे google.com कैपिटल लिखे स्मॉल में लिखे वो एक ही चीज सर्च करेगी, एग्रीड, ऐसे ही ना। क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें अपर और लोअर में फर्क होता। इन्होंने पासवर्ड का दे दिया, मैं क्लासिफिकेशन का कोई जहन में आता है, ये स्टेटमेंट भी आप नोट कीजिएगा, इस पर सोचिएगा। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप इंफॉर्मेशन ट्रिवल में जैसे गूगल के ऊपर वो आप एग्री भी करते हैं, उसमें लोअर केस अपर केस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आपने क्लासिफिकेशन करनी है जैसे हमने बात की थी ऑथर प्रोफाइलिंग की, मूवी रिव्यूज माइनिंग की, इनके अंदर अगर आप अपर और लोअर केस में कन्वर्ट करते हो डेटे को तो फर्क पड़ता है, ठीक हो गया। वो आप एग्जांपल देख लीजिएगा, इधर भी शायद होगी वैसे। अच्छा जी ये मैं बता चुका हूँ, ठीक हो गया। अच्छा इधर भी अगली एक दो स्लाइड्स में यहां पर बोल देता हूँ, लैम्बर्टाइजेशन से एक मिलती जुलता कंसेप्ट है, उसे कहते हैं स्टेमिंग। उसे क्या कहते हैं? स्टेमिंग। स्टेमिंग, स्टेमिंग। अच्छा ये दोनों जो है ना लैम्बर्टाइजेशन, ये सुन लीजिएगा, सुन के भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लैम्बर्टाइजेशन और स्टेमिंग ये दोनों एक ही कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि आपके पास जो गिवन वर्ड है जो वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसको उसकी बेस फॉर्म में लेके आना, ठीक हो गया। अब फर्क है वो अभी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्लेयर, प्लेयर का जो बेस वर्ड है अगर आप लैमेटाइजेशन करते हो, ये सुन लीजिएगा फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, लैमेटाइजेशन का बेस फॉर्म क्या है? प्ले, ठीक हो गया। अगर आप स्टेमिंग करते हो, स्टेमिंग के अंदर बेस फॉर्म लेके आते हैं लेकिन ना वो हार्ड लैमेटाइजेशन होती है, इससे मुराद क्या है? आप सिंपल कहते हैं कि यार आपके जितने वर्ड है ना उनकी मैक्सिमम लेंथ आपने 4 रखनी है। आपने क्या रखनी है? स्टेमिंग के अंदर क्या करते हैं, आप रूल बना देते हो कि यार आपके पास जितने भी 6 लेंथ के वर्ड हैं उनको अपना 4 में कन्वर्ट कर दो, तो वो बगैर सोचे समझे इसको काट देगा, बस ये स्टेमिंग है, काट देता है वो, बिल्कुल ऐसे। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेमिंग क्या है कि वो हार्ड लेमेटाइजेशन है, उसमें वो सोचेगा नहीं,
जो वर्ड दिए उनको काट कर देगा, लेमटाइजेशन में उसको बेस फॉर्म में लाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा आ जाता है, कौन सा बेहतर है और क्यों यूज होता होगा, कब कब लेमटाइजेशन यूज करेंगे, कब स्टेमिंग यूज करेंगे, क्योंकि स्टेमिंग में हम सिंपल कट मार रहे हैं और लेमटाइजेशन में बेस पे लेके आ रहे हैं। जी कौन सा कब यूज होगा, क्या होना चाहिए, एक मिनट है, समझ आ गई बात की। स्टेमिंग में क्या कर रहे हैं, बस कट मार रहे हैं। आपने कहा जी छह वर्ड, छह लेंथ के जितने वर्ड है उन्हें चार पे कन्वर्ट कर दो। ऑन द अदर हैंड लेमटाइजेशन में आप सोच के हर वर्ड को उसकी बेस फॉर्म में ला रहे हो, तो लॉजिकली कौन सा बेहतर होगा, लेमटाइजेशन। ऐसे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे है ना, जैसे प्लेयर में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिंपल काट दिया, आपका वर्ड ठीक हो गया। लेमटाइजेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होगी, प्लेयर से काफी सारी चीजें बन सकती हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी में आपने प्ले किया हो तो प्ले हो जाएगा, वोकैबुलरी में आपने प्लेयर किया हो प्लेयर हो जाएगा, प्लेइंग किया हो तो प्लेइंग हो जाएगा, रिप्ले किया तो रिप्ले हो जाएगा। समझ आ रही बात की। तो लेमटाइजेशन जो है वो डिक्शनरी डिपेंडेंट है, आपके पास एक वोकैबुलरी या डिक्शनरी होगी, स्टैमिंग में कुछ भी नहीं, आपने कट मारना। इसलिए 90% ना, जब भी कोई टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है तो पहले टोकनाइजेशन होती है फिर स्टैमिंग होती है। बस पानी खत्म करना, ठीक है जी, ये बात समझ आती है, ठीक हो गया। इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आगे आप देख लीजिएगा, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ये लेमटाइजेशन का बता दिया, और इसी तरह ये मैं वर्ड पहले बता चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी का, स्टेमिंग का भी मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे ये ऑटोमेट है, इसका ऑटोमेटिक ऑटोमेशन, ये सारे अगर हम इसको काटते हैं तो ये ऑटोमेट कर देता है सिंपल, ठीक है। ये नहीं देखेगा कि ऑटोमेट वर्ड बनता है या नहीं बनता ना, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह ये मैं भी बता देता हूँ, एक मिनट ठहरा। अच्छा, ये जो जैसे स्टेमिंग है या लेमटाइजेशन है, बजाय इसके कि हम अपने फार्मूले लगाएं, ये लोगों ने ना काफी सारे बनी बनाई लाइब्रेरीज दी हुई हैं, ठीक है। जैसे एनएलपी की अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसके अंदर एक पोर्टर स्टैमर के नाम से एल्गोरिथम है, पोर्टर स्टैमर ना, उसके ये कुछ स्टेप्स बताए हैं। वो स्टेप्स बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो डबल एस ई एस, जैसे केरेसिस का वर्ड है, तो आपने ई एस को कन्वर्ट कर देना डबल एस में, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है आईईएस, अगर लिखा हुआ है तो उसमें से ई एस को काट देना। अच्छा, अगर डबल एस है तो उसको आपने वैसे ही रहने देना, अगर सिंगल एस है तो उसे भी आपने कट कर देना। तो ये आपका क्लीनिंग करना शुरू किया उसने, ये बात समझ आती है। इसी तरह स्टेप टू जो है, या स्टेप वन बी जिसको लिखा हुआ है, आई एन जी वाले वर्ड जो है उनको कट कर देना, सारों को, वॉकिंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, उन सबको कट ऑफ कर देना। इसी तरह ईडी वालों को या ईआर वालों को कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ पे ईडी वालों को भी ये नली कर देना, नल कर देना, यानी कि प्लास्टर्ड है तो, या प्लास्टर है, उन दोनों को खत्म कर देना, ईआर वाले को। अच्छा, तीसरे वाला हमारे पास है फॉर लॉन्ग स्टेम्स। लॉन्ग स्टेम्स जैसे इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशनल है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने रिलेशनल है, उसमें अगर ये रिलेशनल का वर्ड है तो उसे ए टी ई कर दिए, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हैं। और इसी तरह फिर ये रिवाइवल का है, इसको रिवाइव कर दिए, और एडजस्टेबल को एडजस्ट कर दिए, और एक्टिवेट को एक्टिव कर दिए। तो इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं कि आपके पास आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड लेना है या एक रूल लेना है, और पूरे टेक्स्ट के ऊपर आपने अपना यानी कि क्यूरी लिखनी है। तो क्या करेगा, जितने भी वर्ड्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज रूल्स, उनको कन्वर्ट कर देगा एक ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ये पोर्टर स्टैमल का सिंपल सा एल्गोरिथम है, आपने तो हर चीज पे ठीक ही कहा है ना। जी एक मिनट है, चलिए इसको छोड़ दे, इसको डिलीट कर देंगे, यूनिक्स की कमांड है, ये नहीं आप यूज करते, ठीक है। एक आखिरी चीज है, बिल्कुल आखिरी चीज है, मैं अभी एक आखिरी चीज है यार, आखिरी चीज है, बिल्कुल आखिरी चीज है, आसान है, आपको पहले ही पता है, मैं सिर्फ इसे जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आगे करनी है हमने। और ये पहला क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है, बिल्कुल आसान है, डिसीजन ट्री उसे कहते हैं, डिसीजन ट्री ना, डिसीजन ट्री की सिंपल लॉजिक है और उसकी एप्लीकेशन बताई हुई है। ये सेंटेंस बाउंड्री सेगमेंटेशन, अमूमी तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि यार एक टेक्स्ट है उसमें आपने ना सेंटेंस की बाउंड्री निकालनी है, कैसे निकालते हैं, डॉट, सिंपल, जहां पे भी फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां पे आप कहते हो ये सेंटेंस बाउंड्री है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ना मैं डिटेल प्रॉब्लम्स आप इस पे स्लाइड्स पे देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इसकी एक डिसीजन ट्री की ना फिगर पे आ जाता हूं। ये फिगर एक बनी हुई है। अच्छा, डिसीजन ट्री एक सिंपल फिनोमेना है एल्गोरिथम वाइज, जिसके अंदर आपने हर नोड पे चेक करना है कि गिवन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे आम ट्री होता है ना, सिंपल वही होता है, उसको डिसीजन ट्री कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास बाइनरी ट्री या सिंपल ट्री होता है वो सर्चिंग या बाकी कामों के लिए यूज होता है,
डिसीजन ट्री आपका क्लासिफायर है जो येस या नो देगा हर नोड के ऊपर ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक दफा देख लेते हैं और मेरा ख्याल खत्म भी है यहाँ पे। हम कहते हैं हमने ना एक टेक्स्ट हमारे पास गिवन है और उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा टेक्स्ट की जो है सेंटेंस की बाउंड्री खत्म हो रही है या नहीं, ठीक है जी। पहला रूल आप ये पढ़ते हैं, लॉट्स ऑफ ब्लैंक लाइंस आफ्टर मी, यानी कि आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और आगे काफी सारी ब्लैंक लाइंस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, आगे टेक्स्ट है ही नहीं। अगर वो येस है तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है, ऐसे ही, वरना क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, कुछ देखते हैं। दूसरा है फाइनल पंक्चुएशन इज एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है या कॉलन और ये चीजें, ठीक है। अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं तो एंड ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक हो गया, नहीं तो नहीं। ऐसे होता है ना, जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो तो कॉमा आ जाता है, पंक्चुएशन मार्क आ जाती है, तो वो फिर अगर वो चीजें हैं तो यस है तो खत्म, नहीं है तो फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि जी फाइनल पंक्चुएशन इज अ पीरियड, मींस डॉट है अगर या फुल स्टॉप है तो फिर, अगर नहीं है तो फिर नॉट एंड ऑफ स्टेटमेंट, अगर है तो फिर आप ये देखो कि आई एम एटसेट्रा और अदर एब्रीवेशन हैं, अगर यस है तो नॉट एंड ऑफ स्टेटमेंट, अगर है तो फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो डिसीजन ट्री के ऊपर ये सिंपल एक बताई हुई है लॉजिक इसकी, कि अगर आपने सेंटेंस की करनी है तो ये एप्लीकेशन होती है इसकी। अच्छा, इसी तरह आपकी लेमटाइजेशन के या स्टेमिंग के भी एल्गोरिथम्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग डिसीजन ट्री भी, ठीक है। तो सिंपल डिसीजन ट्री एक सिंपल सा एल्गोरिथम है हमारे पास जिसकी ये बेस बनती है। सिर्फ इसमें एक दो चीज़ें ऐड होंगी जब ये डेटा माइनिंग के अंदर कोर्स में भी जब हम देखेंगे कि यहाँ पे ना कुछ वेट्स असाइन करते हैं हम, वो कैसे करते हैं वो डिसीजन ट्री के अंदर दोबारा हम देख लेंगे। लेकिन लेट्स जी कितनी रह गई यार, ठीक हो गया, देख लीजिएगा, ये मैं बोल चुका हूँ वैसे, जो मैंने बताया ना डिसीजन ट्री का बताया उसी की डिटेल ही है दोबारा, लेकिन उसी की एक्सप्लेनेशन है वो मैं बोल चुका हूँ वैसे, ठीक है जी, चलें ठीक ठीक।